हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन देखने से पहले, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो यानी इस तरह का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन और आवेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हार्मोन, यानी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका चार्ल्स डार्विन, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डार्विन लिखा हुआ है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ही पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्वात या हवा में। ध्यान देंगे इसके साथ साथ इस बार यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी था, जिसमें हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, हमेशा बराबर होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको निर्वात नहीं दिखेगा तो यहाँ पे रहेगा हवा, तो ध्यान से वहां पे आंसर करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कहता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पुष्प यानी के फूल में। तो पौधे का जो जनन अंग होता है वो कौन होता है? फूल होता है। उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? यानी मेंडल जो है एक पौधे का उपयोग किया था जेनेटिक्स की जांच करने के लिए, उस पौधे का नाम बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मटर। इसको हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आपका ओजोन परत पाया जाता है, यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन, इसमें से ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचली सतह में होता है, या वायुमंडल की ऊपरी सतह में होता है, या वायुमंडल के मध्य सतह में होता है, या जो भी ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ होता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कहता है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? यानी कि सोलर सेल जो है उसको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है, जस्ता, सोना, प्लेटिनम और सिलिकन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिलिकन। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्नलिखित में कौन लवण है? यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा K2SO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यानी कि वैसे धातु का नाम बताना है चारों में से जो सबसे भारी होगा, लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? यहाँ पे ऑप्शन है 2, 4, 6, 7। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7। 7 इसमें सहसंयोजक बंधन होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका, आवर्त सारणी में
प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। जो भी आवर्त सारणी होता है उसमें जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन चार दिए गए हैं, अम्लीय धातु होते हैं या अक्रिय गैस होते हैं या क्षार धातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अम्लीय धातु। कौन हो जाएगा आंसर में? अम्लीय धातु हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन गॉड गिफ्टेड नहीं है, वायु, जल, मिट्टी, बस। तो इसके सही आंसर होगा बस जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सब क्वेश्चन आपका पहले पढ़ाई हो चुकी है, सबका टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे होंगे उसको भी देख लीजिएगा, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपका बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं? ऑप्शन है कैंडेला में, जूल में, एम्पियर में और एंगस्ट्रम में। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी यानी जिसमें दोनों लिंग मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो। ऑप्शन है आपका केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। ध्यान देंगे यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केचुआ। यहाँ पे कछुआ अलग होता है, केचुआ अलग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। ये आपका उभयलिंगी यानी कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका मटर के पौधे को। किसको चुना था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए? मटर के पौधे को चुना था। इसके साथ साथ ध्यान देंगे जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी आपका मॉडल पेपर होगा, एग्जाम की आपकी पूरी पूरी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो आप लोग बने रहेंगे और हर वीडियो को आखिर तक देखेंगे, ताकि आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला हो उससे पहले पहले हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है, निम्न में कौन अवशेषी अंग है, यानी किस अंग का कोई काम नहीं है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है पेट में होता है, अगर इसको निकलवा दिया जाए तब भी मानव के शरीर पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये आपका अवशेषी अंग कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है या मृदा संरक्षण से संबंधित है या जल संरक्षण से संबंधित है या वृक्षारोपण से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन संरक्षण से। और इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इस तरह से है, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ध्यान देंगे यहाँ पे F का वैल्यू दिया गया है 20, आपको R का मान निकालना है, और जैसे R का मान निकलेगा तो निकल के आ जाएगा आपका 40। कितना निकल के आ जाएगा आपका R का मान? वो निकल के आ जाएगा आपका 40 निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा? फॉर्मूला होता है F बराबर R बाई 2। क्या होता है? F बराबर R बाई 2 होता है। और F के जगह पर रखिएगा कितना, F का वैल्यू कितना है? 20 है, 20 सेंटीमीटर बराबर कितना जगह आपका R बाय 2 हो जाएगा। अब यहां इसके बटा कुछ है तो एक क्रॉस जैसे ही गुना कीजिएगा तो R बराबर क्या निकल के आएगा? R बराबर 20 गुना कितना निकल के आ जाएगा आपका? 40 निकल के आ जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी से आधी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या की दुगुनी होती है उसकी फोकस दूरी। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है, निम्न में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से किस स्थान पे
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉर्निया, ऑप्शन दिया हुआ आपका रेटिना पर, परितारिका पर या पुतली पर। अगर आप मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का अगर क्लास किए होंगे तो यहाँ पे कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है। बहुत आसानी से आप इसका आंसर रेटिना कर लेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख पे कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, और वो जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे अधिक नहीं, सबसे कम की बात हो रही है, सबसे कम होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे कम होता है यानी किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है। इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल का। लाल रंग का परिकीर्णन जो है यानी फैलाव जो है वायुमंडल में सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से है, किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सी घटना है जिस कारण से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, परिकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन यानी वायुमंडल में जो चेंजिंग होती है जिस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इस तरह से है, निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा आंसर में? सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से कहता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है घेगा रोग। ध्यान देंगे यहाँ पे मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग अलग है, एड्स आपका अलग है। तो यहाँ पे जो घेगा रोग है वो गला में होता है, गला को प्रभावित करता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं यह सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगर जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इस चैनल पे लगातार आपका एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी, इस तरह का जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, टेस्ट सीरीज चलेगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसके माध्यम से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।